और आदेशित किया गया है कि उसको खाली करवाया गया है। उसमें तीन लोग जो लैंड जिहाद यहाँ करते हैं उसमें मकसूद, फैजल और इरफान, तीनों लोगों की साजिश से उस दुकान में रात 10:30-11 बजे घुस गए कि विश्वहिंदू परिषद में भूमाफिया का बोलबाला है, कब्जा है, मालिकाना हक कोई भी मकसूद और फैजल और इरफान के पास नहीं है। जब मैं वहाँ से बाहर से आवाज लगाया बाहर निकलो तो उन्होंने 20 सेक्टर पे वेल्डिंग कर रखी है, 20 मेरे दरवाजे पे वेल्डिंग कर दिया, मेरा दरवाजा ही ना खुले। अब मुझे सिर्फ आपराधिक तरह ट्रीट किया गया जबकि मेरे पास सारे कागज थे। दुर्गा पूजा के त्योहार के नाते सक्रिय था। फिर से शांत हो जाए बाबू जी पीछे, विजय भैया शुरू से। ये दिवाकर जी हमारे संगठन में जिला उपाध्यक्ष हैं विश्वहिंदू परिषद के जिले के, और अताउल्ला ने इनको एक प्रॉपर्टी जो है इनको अग्रीमेंट किया, अग्रीमेंट के बाद इन्होंने उस पर जो है गौशाला के लिए लिया था और सारे पेपर्स उसमें बने हुए थे, वैध थे। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को दिया, लेखपाल के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट लगवाई गई और आदेशित किया गया कि उसको खाली करवाया गया है। उसमें तीन लोग जो लैंड जिहाद यहाँ करते हैं उसमें मकसूद, फैजल और इरफान, तीनों लोगों की साजिश से उस दुकान में रात 10:30-11 बजे घुस गए और पीछे से उन्होंने उसमें निर्माण कार्य करके कब्जा करना शुरू किया। इनको जानकारी हुई, दिवाकर जी को विरोध हुआ, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने विरोध किया और वहां पे भीड़ लग गई। प्रशासन की सक्रियता से उन लोगों को नहीं पकड़ पाए वो, लेकिन इनको लाके वहां बैठा दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये प्रचारित किया गया 2-3 लोगों के द्वारा कि विश्वहिंदू परिषद में भूमाफिया का बोलबाला है, कब्जा है, इसलिए विश्वहिंदू परिषद संगठन आगे आने की आकर इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सत्यता को, अपनी बात को रख के समाज में बताना चाहता है कि विश्वहिंदू परिषद में न माफिया है, न अपराधी है, न उसमें भ्रष्टाचारी है, ये निष्पक्ष संगठन है और पारदर्शिता से हिंदू समाज के लिए काम करता है। इसमें कोई भी सदस्य, कोई पदाधिकारी इस तरह से अगर आरोपित है तो उसको संगठन में हमारे यहाँ जगह नहीं है। लेकिन बंधुओं, सारे पेपर्स को देखने के बाद, लीगल पेपर्स को देखने के बाद ये सत्यता उजागर है कि ये मामला इनके पक्ष में है, मामला सही है, मालिकाना हक कोई भी मकसूद और फैजल और इरफान के पास नहीं है। उनके पास कोई पेपर नहीं है, न उन्होंने प्रशासन को दिखाया, न रेवेन्यू के प्रशासन, न पुलिस के प्रशासन को दिखाया। अताउल्ला के पास सारे पेपर जो दिवाकर जी के पास हैं उन्होंने दिया है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूँ संगठन में रहने के नाते कि ये सत्यता सत्य है और उस दिन की वारदात गलत हुई है केवल तथाकथित लोगों के द्वारा। हमारे संगठन जो संगठन है विश्वहिंदू परिषद को, इसको बदनाम करने के लिए किया गया है और ये इनका पक्ष मजबूत है, सारे कागजात हैं, सारे कागज की कॉपी आपको दी जा रही है। और मैं चाहूंगा, मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन इसको गंभीरता ले, जिला प्रशासन और जिले की पुलिस प्रशासन गंभीरता ले और एक हफ्ते के अंदर ये जो लीगल पेपर, वैध पेपर है, ये जो हमारे उपाध्यक्ष हैं दिवाकर जी के पक्ष में, इसको करके उस मामले का निस्तारण यथाशीघ्र कराएं, इतना निवेदन करूंगा। तो आज की तरह फिर से क्या माना जाएगा कि विश्वहिंदू परिषद और बजरंग दल जाके जमीन पर कब्जा दिलाएगा? नहीं नहीं, विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल जमीन पे कब्जा नहीं दिलाएगा, प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन ही दिलाता है, न्याय करता है। विश्वहिंदू परिषद न कब्जा दिलाता है न कहीं बेदखल करता है। उसके बावजूद कार्यवाही हुई है विश्वहिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं हुई है और जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उस संदर्भ में आज अभी लोकसभा में विश्वहिंदू परिषद का भाजपा का क्या रूप रहेगा? नहीं देखिए, किस तरह से यह कार्य हुआ है पक्षी का? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू समाज की रक्षा करती है और हिंदू संगठन से मिलकर चलती है, इसलिए हम उनका साथ देते हैं, हम लोग उनके साथ रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने नाम लिया है और हम लोग सारे ऊपर लोग बात कर रहे हैं, ऊपर कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे
और प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो हम आगे जाके कोई और अपनी रणनीति बनाएंगे। आपके कथन अनुसार जिस दिन जमीन पर कब्जा किया जा रहा था आप गए रोकने, उस दरमियान आप अपनी टीम लेकर गए, क्या उच्च अधिकारियों को अवगत करा के गए थे आप? नहीं नहीं टीम नहीं, ये टीम नहीं लेके गए थे, ये इसका इसका मैं जवाब इसका हाँ इसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। यदि किसी के घर में रात को डकैती पड़ती है तो अपने घर में तत्काल अपनी बहन बेटियों को बचाने जाएगा, ना कि वो इंतजार करेगा कि कहीं जाए। जब मैं वहां पहुंचा तो ऑलरेडी 20 मजदूर अंदर काम कर रहे थे, 15-20 लोग। जब मैं वहां से बाहर से आवाज लगाया बाहर निकलो तो उन्होंने 20 शटर पे वेल्डिंग कर रखी है, 20 मेरे दरवाजे पे वेल्डिंग कर दिया, मेरा दरवाजा ही ना खुले। जब दरवाजा मेरा नहीं खुल रहा था तब मैंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया और मुकेश जी वहां आ गए, उनके समक्ष जब दरवाजा खोला गया मजदूर निकल निकल के भागे, उसके जब मजदूर निकल के भागे उस समय से मुझे ही अरेस्ट किया गया और मुझे सिर्फ आपराधिक तरह ट्रीट किया गया, जबकि मेरे पास सारे कागज थे। मैं कहता रहा गया मेरे कागज देख लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ट्रीट आपराधिक तरह मत करिए। लेकिन उन्होंने लगातार मुझे आपराधिक तरह ट्रीट किया गया। यानी आप किसी उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराए थे, आप स्वयं अपनी जमीन को बचाने के लिए गए? यदि कोई भी आकस्मिक लगातार कार्यक्रम कर रहा, इससे पहले भी मैंने वहाँ सूचना दिया और प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे, ये अपने को संदेह के मैं पहुंचूं, ये पहुंच गए थे, तब तक पुलिस प्रशासन पहुंच गया था, लोगों को लेके चले। मैंने कोतवाल जी को तुरंत बताया।